नीट एस्पिरेंट्स के माइंड में ये बात जरूर आती है कि हमें क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि हम 650 प्लस 670 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए. सो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आई थी एंड आई एम श्योर कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी जरूर आती होगी कि हमें क्वेश्चन कितने सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि हम एक अच्छे मार्क्स से नीट में सिलेक्शन ले पाए. सो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले होंगे कि हमें कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एंड एवरी चैप्टर में, मतलब हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हम 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज. करेंटली आई एम बीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम. सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जनरल टॉपिक है एंड हर किसी के माइंड में ये बात आती है कि क्वेश्चन कितने सॉल्व करने हैं, कहाँ से सॉल्व करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे एंड मैं आपको अभी बताऊंगी कि कितने क्वेश्चन मैंने पर्सनली सॉल्व किए थे. सो मैं अपना बताऊँ तो मैंने ना हर एक चैप्टर के लगभग 400 से 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्योंकि मैंने डीपीपी क्वेश्चन लगाया है, मैंने साथ में पीवाईक्यू किया है, इसी के साथ मेरे पास मॉड्यूल भी था एलएन का तो उसको भी मैंने सॉल्व किया था एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं साथ ही साथ. सो लगभग आप एक मैं आपको अंदाजा बता रही हूँ क्योंकि मैंने कभी काउंट तो किया नहीं एग्जैक्टली, तो लगभग 400 के आसपास तो क्वेश्चन जरूर हुए होंगे एंड इसी के साथ आप टेस्ट के भी क्वेश्चंस को काउंट कर लो क्योंकि मैंने टेस्ट के क्वेश्चंस को बहुत ही बार सॉल्व किया है. मेरे पास जितने सारे टेस्ट के पेपर थे ना मॉक टेस्ट के, क्योंकि मैंने तीन ड्रॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन एक्युमुलेट होते गए हर साल के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर हो गए थे. हर जैसे मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था उस टाइम भी मेरे पास कुछ मॉक टेस्ट हो गए थे एलएन के, उसके बाद मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन किया तो मेरे पास पीडब्ल्यू के क्वेश्चन पेपर हो गए, फिर उसके अगले साल भी मैंने ऑनलाइन पीडब्ल्यू से ही प्रिपरेशन किया था. तो जो मेरे पास पिछले 2 ईयर्स के मॉक टेस्ट पेपर थे ना, मैं उन सबको रखी हुई थी एंड उन सबको मैं लगाती थी लगातार, तो मेरे पास बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस थे एंड मैंने सबको प्रैक्टिस किया. तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस करना कहाँ कहाँ से है एंड किस तरीके से करना है. तो आपको हर एक चैप्टर में अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि लगभग आप 300 या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, वो इजी लेवल वाले क्वेश्चंस भी होंगे, जो जैसे बात करें फिजिक्स के लिए तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट लेवल के भी होंगे जिसको मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चंस बोलते हैं, इसी के साथ कुछ टफ क्वेश्चंस भी होंगे क्योंकि आप ये बोल नहीं सकते कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ज्यादा फोकस करना है इजी एंड मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस पे, आपको हाई लेवल वाले क्वेश्चंस पे उतना फोकस नहीं करना बिकॉज हाई लेवल वाले क्वेश्चंस का जो पोर्शन है ना एग्जाम में वो बहुत ही कम है, उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एंड इजी एंड मीडियम लेवल वाले क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन सब क्वेश्चंस के प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए एंड अगर ये क्वेश्चन आप बना रहे हो तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए एंड ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो आपका एग्जाम में. सो इस पे आपको ज्यादा कमांड करना है एंड इसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीडब्ल्यू लेके आया है आपके लिए उड़ान 3.0 बैच जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है. इस बैच में आपको सारे बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे जो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में एंड आपको यहाँ पर डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा जहाँ पे आप टेस्ट दे पाओगे एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे डाउट इंजन में मिलेगा जहाँ पे आप सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. भी क्लास 10th के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत सही तरीके से करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सही बैच है एंड अभी 7th ऑफ अगस्त तक इस पे ऑफर चल रहा है तो ये बैच आपको 2100 की जगह पे 1700 में मिल जाएगा अगर आप 7 अगस्त से पहले इसको बाई करते हो तो. एंड इसी के साथ आपको इस ऑफर में उड़ान 1.0 एंड उड़ान 2.0 बैच का भी फ्री एक्सेस मिल जाएगा. सो जल्दी से जाके आप इस बैच को परचेस कर लो जहाँ पे आपको 3-3 बैच का एक्सेस मिलेगा वो भी 1700 में. इसी के साथ जो बच्चे क्लास 9th में हैं एंड वो 9th क्लास से ही अपनी नीट की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए नीव 3.0 बैच है, ये बैच भी आपको 1700 में मिल जाएगा अभी ऑफर में एंड इसी के साथ आपको नीव 2.0 एंड 1.0 का फ्री एक्सेस भी मिल जाएगा. अगर आप कोई भी बैच बाई करते हो तो मेरा कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लेना, मेरा कूपन कोड है MS150 तो आपको एक्स्ट्रा 150 का डिस्काउंट और मिल जाएगा. सो मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो इजी और मॉडरेट लेवल वाले सॉल्व किया करती थी एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं
हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन नहीं करती थी, मैं करती थी बट कहीं ना कहीं उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं रखती थी जितना इजी एंड मॉडरेट लेवल वाले पे रखती थी। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखनी है। इसी के साथ बात करें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं करती थी या नहीं, तो मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं। मैंने फिजिक्स में इंटेक्स वाले क्वेश्चन किए हैं सारे चैप्टर्स के, एंड जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते थे वो मैं पूरा नहीं सॉल्व करती थी। एंड मैं आपको भी नहीं बोलूंगी कि आपको पूरा का पूरा ही सॉल्व करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो नीट लेवल के नहीं होते, वो जेई लेवल के होते हैं। एंड कॉमन बुक है हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो कॉमन है नीट के लिए एंड जेई के लिए, तो उसमें जेई लेवल वाले क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो रहा है एंड बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है, तो वो उस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी, तो आपको इंटेक्स क्वेश्चन तो करना ही करना है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। एंड केमिस्ट्री में भी मैंने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बैक के, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन अगर आप बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो जो समरी वाला पोर्शन होता है ना, वो आपको जरूर पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद बात करें कि आपको क्वेश्चंस सॉल्व कहाँ से करना चाहिए, तो देखो आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे तो आपके पास मॉड्यूल होगा, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास डीपीपी क्वेश्चंस आपको मिलते होंगे, ठीक है। तो आपको वो मॉड्यूल को अच्छे से करना है, एंड अगर आप ऑनलाइन हो तो आपको डीपीपी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। किसी एक चीज के साथ ही रहो, ऐसा मत करो कि आप डीपीपी भी कर रहे हो फिर मॉड्यूल भी कर रहे हो, इतना सारा कुछ करने का जरूरत नहीं है। जो भी करो ना, अपने रिसोर्सेस कम रखो एंड उसको मल्टीपल टाइम्स करने की कोशिश करो। मैंने तो हर चीज को मल्टीपल टाइम किया, लाइक मेरे पास टेस्ट के पेपर बहुत सारे थे, तो मैंने उन टेस्ट के पेपर को बहुत बार लगाया था। मतलब मैं बता नहीं सकती एग्जैक्टली कोई फिगर कि मैंने इतना बार बनाया है, मैंने लिटरली बहुत बार सॉल्व किया था। तो आपको भी वही करना, अगर आप डीपीपी कर रहे हो तो उसी को लगातार बनाओ, उस पे पूरा आपका उस पे कमांड हो जाना चाहिए कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत ना हो, ठीक है। उसी तरीके आप मॉड्यूल कर रहे हो तो आप मॉड्यूल में इतना कमांड बना लो कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उससे गलत ना हो, तो ठीक है। तो आपको ये करना है, इसी के साथ एनसीईआरटी बुक करना है, एंड इसी के साथ जो पीवाईक्यू होता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो मैंने आपको बुक बताया वहां से आप पीवाईक्यू इजिली सॉल्व कर सकते हो एंड उस पर अपना कमांड बना सकते हो। सो पीवाईक्यू को आप कहीं से भी इग्नोर मत करना, अब भी से स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू करो। एंड मैंने स्टार्टिंग से ही हर टाइम जब मैंने प्रिपरेशन किया, जब मेरा फर्स्ट ड्रॉप था ना, तो मेरा एक यही गलती था कि मैंने पीवाईक्यू पे ध्यान ही नहीं दिया था, एंड इसके कारण मेरे नंबर 385 आए थे मात्र नीट में। तो मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपको पीवाईक्यू पे बहुत ही अच्छे से कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि 50-60% क्वेश्चन डायरेक्टली पीवाईक्यू बेस्ड ही आ रहे हैं। तो क्यों पीवाईक्यू आप लोग छोड़ते हो, पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब हम पीवाईक्यू करेंगे तभी तो हमें समझ आएगा ना कि हाँ एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम कुछ दिमाग भी लगा पाएंगे कि हाँ हमें इस तरीके के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इस कॉन्सेप्ट को तो अच्छे से बिल्ड करने की जरूरत है क्योंकि लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो इन सब चीजों की जानकारी के लिए आपको पीवाईक्यू का नॉलेज होना ही चाहिए, पीवाईक्यू को आपको बनाना ही पड़ेगा। सो आप पीवाईक्यू को जितना बार हो सके उतना बार बनाओ एंड उस पर पूरा अच्छे से कमांड बनाने की कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन पे आपको अच्छा कमांड बन जाए, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको जरूर करनी है, पहली एनसीईआरटी बुक, दूसरी आपको आपका डीपीपी या फिर मॉड्यूल, या और तीसरी चीज हो गई आपका जो पीवाईक्यू का क्वेश्चंस है वो, ठीक। एंड इसी के साथ जो टेस्ट है वो आपका चौथा सोर्स हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक। ये चार चीजें आपको जरूर करनी है, मैंने भी यही चार चीजों को मल्टीपल टाइम्स जितना बार मेरे से हो पाया था उतना बार सॉल्व किया था। तो इन सब चारों के क्वेश्चंस को अगर मिला दो ना, तो आपके पास लगभग 300-400+ क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड ये सफिशियंट क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन हर एक चैप्टर से सॉल्व करके जाते हो, तो आप सोच सकते हो कि आपने कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्योंकि फिजिक्स में भी 10 चैप्टर क्लास 11th में है, 10 चैप्टर क्लास 12th में, दोनों को मिला दे तो लगभग 20 चैप्टर्स हो जाएंगे। एंड 20 इंटू अगर आप 300 करो, तो आप सोच सकते हो कि आप 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो 6000 बहुत ही बड़ा नंबर है, अगर आप एक सब्जेक्ट में 6000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके पास तीन सब्जेक्ट है, तो आप लगभग 18000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एंड ये नंबर मैंने एक एवरेज नंबर आपको बताया 6000, ये 6000 से बढ़ के किसी के लिए 8000, किसी के लिए 10000 भी हो सकता है। मैंने एक लिमिट बताया कि लाइक आपको 300 तो करने ही करने हैं, आप 300 से ज्यादा भी कर सकते हो, लाइक मैंने 400
500 के आसपास भी किया है, तो इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाते हैं और उस पर कमांड बना लेते हो तो आपका सिलेक्शन नीट में होने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई होप कि आपको पता लगा होगा एंड मेरे एक्सपीरियंस से आपको समझ आया होगा कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए, किस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड क्या क्या सोर्स थे क्वेश्चन के। एंड अगर आप जानना चाहते होगे कि मैंने किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाया, मैंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट कैसे दिया, अगर मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने ऑफलाइन मॉक टेस्ट कैसे दिया, तो अगर आप राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने कितने सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए हैं एंड वो भी ऑनलाइन के क्वेश्चंस पेपर को ऑफलाइन मोड में दिया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।